अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे बनाना और डेट्स का मिल्क शेक। बहुत ही पसंद आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। चलिए यहाँ पर लेते हैं 2 मौज और 5 से 6 खजूर, जिसके बीज निकाल लिए हैं मैंने। अब इसके छोटे छोटे पीसेस भी कट कर लेंगे मौज के। अब इसे फ्रीज होने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं आप लोग अच्छे, यहाँ पे मैं तोड़ के बता रही हूँ तो ये पीसेस हो गए हैं, मैश नहीं हुआ है इसलिए ये फ्रोज़न हो चुके हैं। अब इसे ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। देखिए खजूर और मौस दो भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें शक्कर डालेंगे। अगर आपको मीठा पसंद है तो शक्कर डालिए, नहीं तो मत डालिए। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून शुगर डाला है। अब इसमें ठंडा दूध डालेंगे जो गरम करके अपन फ्रिज में रख दिए हो, वो दूध डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए बस इतना सा ही प्रोसीजर रहता है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब इसे ठंडा सर्व कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर अपन गार्निश करते हैं बादाम से। बादाम को मैंने चॉप करके रख लिया था, उसे अच्छे से गार्निश कर लेंगे। आप लोग इसके ऊपर खजूर भी डाल सकते हैं, आप आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए और ये शेक बना के मुझे कमेंट में बोलिएगा कि कैसा बना था।